नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में है और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची। वहां वो उस पीड़ित बच्चियों के परिवारों से मिलेगी जिसका रेप हुआ था। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चियों से रेप का मामला सामने आया था। लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियों, प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लखीमपुर के पसगवा प्रियंका गांधी भी जाएंगी, जहां वो नामांकन के दौरान महिलाओं से जो बदसलूकी हुई थी उन महिला से मुलाकात करेंगी। साड़ी कांड पीड़ित महिला से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। अपने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरे दिन प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी जा रही हैं। कल प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी और प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का किस तरीके से अभिवादन कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कल जीपीओ गांधी प्रतिमा पे मौन धरना दिया था। उत्तर प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर, उसी के तहत जो है आज वो लखीमपुर खीरी जा रही है। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों महिला प्रस्तावों के साथ जिस तरीके से भद्रता की गई थी, उससे काफ़ी नाराजगी देखी गई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसी मुद्दों को लेकर जो है प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका की ये पूरी कवायद किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में संचार करती है ऊर्जा का, और किस तरीके से कार्यकर्ता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जाते हैं, सफलता मिलती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मार्टन सिंह, प्राइम टीवी। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मार्तन जुड़ चुके हैं। मार्तन, आप लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पर और हर एक उस पर नजर रख रहे हैं। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर आप लगातार पैनी नजर बनाए हुए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुकी हैं? जी, देखिए इस समय जो है प्रियंका गांधी, हम लोग एकदम बिल्कुल साथ साथ काफिले के चल रहे हैं। प्रियंका गांधी काफिला इस समय जो है सीतापुर में एंटर कर चुका है। सीतापुर के शाहजलालपुर क्षेत्र में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और ये लखीमपुर के लिए आगे बढ़ रही हैं। लखनऊ से जब उन निकली प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए, तो पक्षी का तालाब में उनका स्वागत भी किया गया, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता भी थी। चूंकि प्रियंका गांधी ने कल कानून व्यवस्था को लेकर और महिलाओं से जो उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर धरना दिया था, 2 घंटे का मौन धरना जो गांधी प्रतिमा पे दिया था, उसी के तहत ये पूरी कवायद की जा रही है। और लखीमपुर में प्रियंका गांधी जो महिला प्रस्तावक के साथ, जिनके साथ अभद्रता हुई थी, साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा कि 3 बच्चियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया था, तो इन परिवारों से भी मिलेंगी। आपको बता दें कि ये जो दौरा है प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी का, ये पूर्व निर्धारित दौरा नहीं है। ये इनको लखनऊ में रहना था 3 दिन, पार्टी पदाधिकारियों से इनकी मुलाकात थी, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं सबसे मुलाकात करनी थी और चुनाव की तैयारियों का पूरा प्रबंध देखना था किस तरीके से, लेकिन अचानक से ये दौरा बनाया गया, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को मोदी जी की शाबाशी मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, उसको ही काउंटर करनी है प्रियंका गांधी, और इसी के तहत जो है आज वो लखीमपुर खीरी जा रही है। बिल्कुल मार्तन, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं जिस मुखर अंदाज में प्रियंका गांधी ने कल 2 घंटे मौन रखा और उन्होंने साफ चेता दिया है, उन्होंने हुंकार भी भर दी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी बहुत बड़ा काम किया, और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस कदर कार्यकर्ताओं में जोश है। कल गांधी प्रतिमा पे भी जिस तरह से उन्होंने 2 घंटे का मौन रखा, तो साथ ही साथ उनके अजय कुमार लल्लू भी वहां पर मौजूद थे, और इस तरह की हुंकार से क्या लगता है योगी सरकार के उनके महकमे में कुछ ना कुछ हड़कंप मचा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है और कांग्रेस जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि 3 विधानसभा चुनाव में वो लगातार हाशिए पे कांग्रेस पार्टी जाती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार करना था प्रियंका, जो कि प्रियंका गांधी ही कर सकती थी, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी काउंटर करती है, वो बहुत ही आक्रामक होता है। हमने पिछले दिनों देखा कि लगातार सरकार जिन मुद्दों पे अपनी पीठ थपथपा रही थी, उन मुद्दों को प्रियंका गांधी ने लगातार काउंटर किया है और बहुत ही जोरदार अंदाज में काउंटर किया है, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार और एक ऊर्जा का संचार जरूर होगा, और ये बहुत जरूरी है ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हो, क्योंकि जिस तरीके से हाथिए पे पार्टी रही और कार्यकर्ता बिल्कुल होपलेस हो गए थे, वो एक ऊर्जा का संचार होने से उनके अंदर जो है दोबारा से जो है एक जमीन पे काम करने की जो है बढ़ेगी क्षमता,
और ये बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इनका कार्यकर्ता जो है बिल्कुल मारतंड, लेकिन ये मौजूदगी जो है वो 3 दिन की है और लगातार ये कहा जा रहा है कि मौजूदगी अपनी लंबे वक्त के लिए प्रियंका गांधी को बनानी जरूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मनोबल कार्यकर्ताओं का जब वो नहीं रहती है तो डगमगा जाता है, तो उस पर मनोबल बढ़ाने के लिए वो आई है, लेकिन ये मौजूदगी लंबे समय की भी होनी जरूरी थी। हालांकि 3 दिन के वो दौरे पर है, कार्यकर्ताओं से कब बैठक होगी, कार्यकर्ताओं के साथ कब मंथन किया जाएगा? जी देखिए बिल्कुल, कल भी जो है लगातार बैठकों का दौर चला पार्टी में, और आज जो है जब ये लखीमपुर से लौटेंगे उसके बाद जो है अमेठी और आसपास के क्षेत्रों के जो भी जिलाध्यक्ष हैं उनसे बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी की एक खासियत है कि वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करती हैं, वो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, वो भी सीधे प्रियंका से संवाद करता है। और प्रियंका जब उनसे संवाद करती है तो उसमें बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट सीधा संवाद करती है, जिससे कि वो जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। जैसा कि आपने कहा कि ये जो प्रियंका गांधी की मौजूदगी है वो एक लंबे समय के लिए मौजूदगी देनी पड़ेगी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना है। लेकिन दूसरी चीज हमको ये भी समझनी चाहिए कि प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय चेहरा है और उनको पूरे देश में भ्रमण करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं बचा कांग्रेस के पास जो कि गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में जो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर सके। तो कहीं ना कहीं प्रियंका की ये मौजूदगी जो है कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से संजीवनी है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश में भविष्य में हो सकता है कि एक संजीवनी का काम करे। लेकिन फिलहाल आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से लखीमपुर जा रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आक्रामक है, वो कहीं ना कहीं एक सरकार के अंदर भी और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बेचैनी जरूर पैदा कर। लखीमपुर का किस तरह का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रेप पीड़ितों से मिलने जा रही है, तो क्या मिलने जाने दिया जाएगा, रोका जाएगा, क्या स्थिति इस समय वहां पर बन पा रही है? जी देखिए बिल्कुल, अभी हम लोग साथ साथ काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, हम लोग सीतापुर इस समय क्रॉस कर रहे हैं और साथ में प्रियंका गांधी के साथ जो है पुलिस बल भी चल रहा है और पूरी फ्लीट जो है वो है और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया। हम जगह जगह जहाँ जहाँ हमने देखा, जहाँ जहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा गया था प्रियंका गांधी के लिए, जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता खड़े थे वहाँ भारी पुलिस बल मौजूद था। तो कहीं ना कहीं जो है क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये जिला प्रशासन की पूरी कवायद होती है कि फुल प्रूफ जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अब लखीमपुर जा रही है प्रियंका गांधी और पीड़ितों से मिलेंगी। अभी तक तो हालांकि कुछ इस तरीके की बात सामने नहीं आ रही है कि प्रशासन ने कोई रोक लगा रखी है और न मिलने दिया जाए, और इसका औचित्य भी नहीं बनता क्योंकि ना अभी प्रदेश में किसी तरीके का कोई धाराएं लगी है कि गैदरिंग को लेके या किसी चीज को लेके, तो ये होना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी को रोका जाए क्योंकि इससे मामला और बिल्कुल मातरण। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी का काफिला लखीमपुर से के लिए निकल चुका है, सीतापुर के रास्ते से होते हुए लखीमपुर जा रही है वो, और लगातार वो मुखर अंदाज में योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करी थी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसी कानून व्यवस्था को उन्होंने आड़े हाथों लिया है योगी सरकार को, 2 घंटे का मौन रखा महिलाओं के साथ उत्पीड़न के लिए। वो लखीमपुर में जिस तरह से पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए थे उसमें महिला की साड़ी खींची गई थी, उनसे भी मुलाकात करेंगी, रेप पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगी। तो ये प्रोग्राम हालांकि पहले से सेट नहीं था, लेकिन लखीमपुर खीरी कुछ ही देर में प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगे और लगातार हम आपको इस पूरी खबर पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएंगे, जल्द हाजिर होंगे।